डायग्राम बनवा दे सर, लिख खाली खाली लाए नहीं डायग्राम कुछ, बनाए थे। अच्छा ऐसे समझ तो रहे थे। यस सर, डायग्राम कुछ तो नहीं, ऊपर आप लिखे। गोल पढ़ा दिए सर, अब दूसरा वाला फिगर बनाते हैं। अरे सदन पहला डायग्राम बनाए थे उसके ऊपर एक्सप्लेन कीजिए। द इंसिडेंट रहे आई लिंक ऊपर जगह ही नहीं है सर। द, नीचे लिखो नीचे लिखो। द इंसिडेंट रे बाबू, जहां स्पेस है वहीं लिखो। द इंसिडेंट रे बाबू कमिंग। अरे मेरे लाल ऐसा का पर डायग्राम बनाया था ना वो, आप लोग गलती हुई। कन्वेक्स मिरर था, कौन सा था? कन्वेक्स मिरर। ये मेरा पोल था, इधर से प्रिंसिपल एक्सिस का पर्लर रे आया तो ये इधर चल गया, ये सर, वाला था। हाँ हम बना रहे, फिर से बना, नहीं बना हुआ था, फिर से बनाने की जरूरत नहीं। ये आपका क्या हो गया, फोकस हो गया। तो ऑब्टेन इमेज फ्रॉम कन्वेक्स मिरर ना पढ़ा रहे हैं। हाँ बाबू द इंसिडेंट रे बाबू, इमेज बना हुआ है उसके नीचे लिखे, चाहे नीचे स्पेस है तो नीचे लिखे, ऊपर स्पेस है तो ऊपर लिखे। द इंसिडेंट रे बाबू कमिंग पार्लर, कमिंग पार्लर टू बाबू, पार्लर टू दी पोलर एक्सिस। पोलर मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, कभी कभी बाबू पोलर एक्सिस देगा। पोलर एक्सिस मीन्स क्या होता है सर? प्रिंसिपल एक्सिस होता है। प्रिंसिपल एक्सिस बाबू, एक्सिस डाइवर्ज, डाइवर्ज बाबू। डायग्राम के नीचे लिखे हैं। हाँ लिखे डायग्राम के नीचे लिखे डाइवर्ज बाबू, डाइवर्ज डाइवर्जेज। सर बट प्रिंसिपल प्रिंसिपल के बाद क्या लिखा एक्सिस है, एक्सिस है। अरे यहाँ इतना होच पोच हो गया बाबू, इधर एक रे, इधर से एक रे, उधर से डाइवर्जेज। सर? डाइवर्जेंस मतलब कि वो बताते डाइवर्जेंस। हैं, बताते हैं, बताते हैं। डाइवर्जेज बट अपीयर्स टू पास थ्रू दी फोकस सेकेंड रूल। लिखो फिर समझाते हैं। द इंसिडेंट रे समझाते समझाते, लिख रहे हो लिखो कंटिन्यू होके, लिख रहे हो लिखते ही चलो सुर में सुर। द इंसिडेंट रे बाबू बीच सर बीच डायग्राम अभी डाइव बना, डायग्राम भी बना ले सर। डायग्राम कल बनाया था ना बाबू, इबला ये फर्स्ट रूल हो गया, ये रूल नंबर वन हो गया, ये रूल नंबर टू। रूल नंबर टू का डायग्राम नीचे बनाएंगे। द इंसिडेंट रे बाबू बीच बाबू डायरेक्टेड डायरेक्टेड टुवार्ड्स, डायरेक्टेड टुवार्ड्स दे, टुवार्ड्स दे फोकस, फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सर मेरा दो दो कनेक्ट है। सर अच्छा ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ समझा रहे हैं, लिखो। ए बाबा धामी शैतान। हेलो, हाँ मैम। नहीं मैम अभी लाइट चैप्टर पढ़ा रहे हैं, वो तो ये पढ़ती है ना उसको क्या बोलते हैं मैथ पढ़ती है, उसके बाद कहा सर हमको लाइट पढ़ा हुआ है हमको रिवीजन करना है। सही था। हाँ 7-7:05 तक चलता है, और इसमें हाँ आधा घंटा साइंस पढ़ाते हैं, इसको पढ़ा दिए हैं तो इसीलिए एग्जाम इसीलिए छोड़े, नहीं तो छोड़ते थोड़ी। नहीं नहीं क्लास तो 7:30 तक ही चलता है, क्लास में कोई कमी नहीं है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा जिद्दी है, ठीक है लेकिन जिद्दी है ना। चलिए एग्जाम है बाबू को पढ़ने दीजिए, एग्जाम का प्रेशर है, काले टेंशन दीजिएगा को रहने दीजिए अभी पढ़। हाँ अभी देने दीजिए बाबू।
हाँ मैम वो तो एक्ट 910 ढीला नहीं है छोड़ने का। हाँ इसलिए हम भी शांत हैं। ठीक है ना, देखते हैं बाबू पेरेंट्स तुरंत एक्टिव हैं। इतना तो आप लोग के पेरेंट्स बाबू स्कूल में भी फोन नहीं करते होंगे जितना मेरे यहाँ सब करते हैं। निकाल देंगे स्कूल में इतना आज तो मेरे पापा ने दो बार मैम को कॉल लगाया, दो बार लगा। ठीक है बाबू, सारे पेरेंट्स धीरे धीरे को एक्टिव कर देना, बात कर करके डेली आप लोग को लगभग अधिकतर पेरेंट्स से डेली बात होता है ना, सारे को बाबू जागरूक कर देना स्कूल के प्रति। जागी है, मेरे पापा बोल रहे थे का की जाए ना फोन कर करके मैम को थका देंगे। सारे पेरेंट्स जागिए बाबू, आपके जो पैसा जा रहा है पॉकेट से बच्चा कुछ नहीं सीख रहा है, एक साल दो साल में सारे पेरेंट्स जाग जाएंगे बाबू। लिखो लिखो लिखो, समझाते से समझाते, लिखे लिखे लिखे। लिखे बाबू ये हो गया मेरे नाम। अरे सेम कैसे शैतान, ये इंसिडेंट रे हो गया। डायग्राम तो सेम ही है ना। सेम कहा बाबू, यहाँ बाबू इधर से आ रहा है इधर जा रहा है मेरे लाल, ये ध्यान देना। अच्छा हाँ सर, हाँ सर मैंने इधर से आ रहा नहीं देखा है, इधर से ये आ रहा है ये इधर जा रहा है, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये मेरा हो गया रिफ्लेक्टेड रे हो गया। लिखो समझाते समझाते समझाते, चारों कम से कम खत्म करो बाबू, जल्दी लिखे जल्दी लिखे, समझाते। सर जी सेकंड डायग्राम में ऊपर से आ रहा है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है, पैरेलल हो जा रहा है। लिखो ना बता रहे हैं, इसको आगे बढ़ा देना, आगे बढ़ा देना, डॉटेड लाइन मतलब बाबू आगे बढ़ेगा तो यहाँ फोकस पे जाकर मिलेगा। डॉटेड मतलब जब भी कहीं डॉटेड रहेगा मतलब वो वर्चुअल चीज है, रियल में नहीं है, वर्चुअल चीज है। वर्चुअल मतलब बाबू काल्पनिक है, काल्पनिक है, काल्पनिक है। लगता है कि हो रहा है सर लेकिन होता नहीं है। हाँ बाबू सर, हाँ बोलिए सर मेरा प्रोजेक्ट दिया हुआ है इसीलिए मैं अभी क्लास लीव कर रही हूँ। कल छुट्टी है ना बोलिए। नो सर नहीं है। नो सर आज ही बोलिए बाबू, ओडिशा में स्कूल में छुट्टी नहीं देते। अच्छा ठीक है, तो बाबू ये मेजरमेंट ऑफ बाबू एंगल्स, बाबू कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल बाय कंपास बाबू 6:30 से 7:30 पढ़ाएंगे, दो दिन पढ़ लीजिएगा ना, एडजस्ट कर लीजिएगा ना दो दिन। ओके सर। वो रिफ्लेक्टेड रे ना होगा आपसे? हाँ रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड दो दिन एडजस्ट कर लीजिएगा, दो दिन में खत्म कर दें। खाली बाबू कंपासे से ना आपको पढ़ना है बाबू, प्रोटेक्टर से नहीं ना पढ़ना है। प्रोटेक्टर हमारा पहले से पढ़ा दिया है, कंपास से हमारा सिर्फ स्पेसिफिक एंगल्स आता है। हाँ 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री है ना? यस सर वही वाला। हाँ तो वही वाला, तो दो दिन करोगे ना तो हो जाएगा। चलो ठीक है बाबू, ठीक है बनाइए प्रोजेक्ट बाबू, सारा बच्चा वो बर्बाद ही हो ही रहे बाबू आप ही हो। ठीक है बाबू क्या करें बाबू, खुद परेशान है। ई आया रे, ई गया रे, चलिए लिखे जल्दी लिखे जल्दी लिखे। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू। देखो सैताना हमको आपको क्या पढ़ा रहे बाबू, शांति समझना, हम आपको क्या पढ़ा रहे बाबू, ये अभी बाबू इमेज बनाने का तरीका बता रहे हैं कि मान लो बाबू आपको किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है तो पहले रे डायग्राम आना चाहिए, कैसे कैसे रे डायग्राम हम लोग ड्रा करेंगे, कैसे कैसे ड्रा करेंगे। तो आपको बाबू कनकेव रहे चाहे कन्वेक्स रहे, चारे गो रूले होता है, चारे गो क्या होता है रूले होता है, चारे रूल होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है ना, चारे रूल होता है, चारे रूल होता है ना, ठीक, चारे रूले होता है बाबू, है ना, चारे रूल होता है। ठीक नेक्स्ट बाबू, तो देखो बाबू क्या बाबू, देखो क्या है बाबू, है ना, पहला क्या करा बाबू, पहला कल बताया था बाबू कि मान लो ये कौन सा लेंस है, ये कौन सा मिरर है सर, ये कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। तो जब कन्वेक्स मिरर है बाबू तो यहाँ पे बाबू मान लो ऐसे क्या है कन्वेक्स मिरर, और इधर से लाइट इंसिडेंट करवाओ, लाइट ऐसे इंसिडेंट करवा रहे, तो आपको इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा बाबू, ऐसे इंसिडेंट करवा रहे हो तो लाइट किधर ऊपर की ओर जा रहा है, वो लाइट क्या जा रहा है ऊपर की ओर जा रहा है। मतलब लाइट को हमने कैसे करवा रहा है सर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइट कैसे, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या प्रिंसिपल एक्सिस, ये बोला प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रहा तो लाइट ऊपर जा रहा है, ठीक, तो लाइट इधर चल गया। दूसरा केस में क्या करे सर, अभी लाइट को ऐसे करे थे ना, अभी लाइट को ऐसे इंसिडेंट करवाओ, ऐसे ऊपर से ऐसे करके इंसिडेंट हुआ, और ऐसे इंसिडेंट करवाओ कि आपको फील हो फोकस जा रहा है, ये लाइट इंसिडेंट करवा रहा है ना जी, तो ऐसा फील होना चाहिए कहाँ से पास हो रहा है, फोकस से, फोकस से। वो बढ़िया वाला टॉर्च अभी लाते हैं,
जिसे बढ़िया फोकस लेजर लाइट अच्छा, अरे लेजर लाइट से ना दिखेगा बाबू, लेजर लाइट बैटरी डलता वो वाला सर लाइट। यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रहा बाबू, तो ये आगे जाके कहाँ आपको फोकस करते हुए आगे कहाँ जाके लग रहा है मिलेगा फोकस पे, लेकिन यहाँ पे क्या मिरर है, मिरर है, तो अभी रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है तो अभी आपको कैसे हो जाए, अगर इधर आ रहा है तो अभी प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा, दिख रहा है मेरे लाल, अभी प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा पैरेलल नहीं दिख रहा बाबू, दिख रहा है मेरे लाल के ना, चलो इसमें करते हैं, देखो ऐसे रे ऑफ लाइट आया तो आपको ये ऐसे आ रहा है, कैसे आ रहा है इधर आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल दिख रहा है वो, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा मेरे लाल, यस सर हाँ, तो इधर से रे ऑफ लाइट आया तो आपको किधर हो गया प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस का क्या हो गया पैरेलल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस का क्या हो गया पैरेलल हो गया, पैरेलल है ना, तो यही कह रहा, तो ये रे ऑफ लाइट को अगर वर्चुअली बढ़ाओगे, वर्चुअली अगर बढ़ाओगे तो कहाँ जाके मिल रहा है फोकस पे, लेकिन ये वर्चुअली आगे कहाँ जाके मिलेगा फोकस पे, आगे कहाँ जाके मिलेगा फोकस पे, फोकस पे, लेकिन यहाँ पे क्या रखा मिरर रखा, यहाँ पे क्या रखा मिरर रखा, मिरर रखा, मिरर रखा है ना, मिरर रखा है ना, कौन सा मिरर कन्वेक्स मिरर, तो जैसे ऐसे आएगा तो कैसे हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा, अगर ऐसे आ रहा है तो कैसे हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा, सेकंड रूल यही कहता, सेकंड रूल यही कहता, सेकंड रूल यही कहता, थर्ड रूल बाबू, थर्ड रूल, थर्ड रूल, थर्ड रूल मेरे ला, थर्ड रूल ये सब याद रखना बाबू, लाइट चैप्टर बाबू 99 स्टूडेंट को ना समझ में आता, करने से रे आता करने से जाता याद नहीं आता, समझ में नहीं आता। नेक्स्ट बाबू थर्ड रूल, थर्ड रूल क्या कहता बाबू, अभी बाबू कन्वेक्स में हमेशा बाबू चार रूल इसमें भी है, चार रूल इसमें भी है, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर समझो, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर, देखो बाबू कितना बाबू कन्वेक्स में हम लोग क्या लेंगे, कन्वेक्स मिरर ही लेंगे, ठीक सर, ठीक, ये बाबू ये कन्वेक्स मिरर बाबू, तो इसका कहीं ना कहीं इधर गोला बनेगा, इधर है ना इसका गोला बनेगा, हाँ सर इधर ही तो इसका गोला बनेगा, गोला इसका इधर ही बनेगा, गोला इसका इधर ही बनेगा, गोला इसका इधर ही बनेगा, है ना, ठीक सर, ठीक इधर ही गोला बनेगा, ठीक बाबू, तो इस गोले का कहीं ना कहीं सेंटर होगा ना, जिसको हम लोग क्या कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, इस गोले का कहीं सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, मिरर का कहीं पोल होगा, ये पोल हो गया, पी और सी को मिला दो, ये पी हो गया, ये सी हो गया, तो पी सी को मिलाते हुए एक लाइन पास करेगा, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, है ना, हाँ सर यहाँ तक तो बात समझ में आती है सर, है ना, पी सी को मिला दो बाबू, है ना, ठीक बाबू, अभी हम लोग रे ऑफ लाइट को ऐसे इंसिडेंट करवा रहे हैं, पहले इंसिडेंट करवाए बाबू, बीच में कहीं क्या था फोकस था, शांति समझना, बीच में यहाँ फोकस होगा कहीं, फोकस हमेशा बाबू पीसी, पीसी के बीच में होगा, प्रियंका चप्पू के बीच में हमेशा फोकस होगा, ठीक है ना, ऐसे याद रखो, फोकस हमेशा कहाँ होगा, हाँ बाबू पीसी क्या हो गया प्रियंका चोपड़ा हो गया, है ना बाबू, ठीक, तो प्रियंका चोपड़ा के बीच में क्या होगा कहीं फोकस होगा, अब शांति समझना, शांति समझना, अब शांति समझना, नेक्स्ट बाबू देखो अब रे ऑफ लाइट को बाबू, देखो सेकंड केस में रे ऑफ लाइट को हमने कैसे रखा, सेकेंड केस में रे ऑफ लाइट को ऐसे रखा बाबू, रे ऑफ लाइट ऐसे है बाबू, और यहाँ पे रखा कहाँ पे रखा, आपको ऐसे रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रहा था कि आपको कहाँ से लग रहा था कि फोकस से जा रहा था, फोकस से, है ना, फोकस से जाता हुआ फील हो रहा था, कैसे फोकस से जाता हुआ, ठीक, तो यहाँ पे मिरर रखोगे तो किधर हो रहा था, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो रहा था, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो रहा था, है ना, ठीक, अब रे ऑफ लाइट को ऐसे फील करो बाबू, ऐसे फील करो कि आपको कहाँ से महसूस हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से महसूस हो, अभी रे ऑफ लाइट को ऐसे इंसिडेंट करवाओ कि आपको कहाँ से महसूस हुआ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हुआ, कैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो इसी पे पैरेलल ऐसे रखो, तो ये रे ऑफ लाइट वो क्या करेगा, उसी रास्ते से क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, इसी रास्ते से सेंटर ऑफ, आपको रे ऑफ लाइट ऐसे रखना मेरे लाल कि आपको कैसे महसूस हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ, है ना, इस तरह से रखना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ, है ना, ठीक, अब यहाँ पे मिरर रखो, यहाँ पे क्या वो मिरर है, तो मिरर वो तो ये क्या करेगा, उसी जिस रास्ते से आ रहा उसी रास्ते पे क्यों नहीं जा रहा बाबू, इधर से आ रहा, इसमें यहाँ पे मिरर रखो, देखो उसी रास्ते से क्या हो रहा है, जा रहा, उसी रास्ते से क्या हो रहा, जा रहा, जा रहा, उसी रास्ते से क्या हो रहा, जा रहा, उसी रास्ते से देखो मेरे शैतान नहीं जा रहा बाबू, जा नहीं रहा, है ना, जा रहा, ठीक, ठीक बाबू, तो मतलब क्या सर, मतलब क्या बाबू, मतलब क्या बाबू, मतलब क्या, कि अगर रे ऑफ लाइट को बाबू इस तरह से इंसिडेंट करवा बाबू, इस तरह से इंसिडेंट करवा बाबू, इस तरह से इंसिडेंट करवाओ कि आगे बढ़ाने पे आपको कहाँ महसूस हो कि प्रिंसिपल से पास हो रहा, कहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से, रे ऑफ लाइट को ऐसे इंसिडेंट करवाबो कि आपको महसूस हो गए, आगे बाबू बढ़ाओगे इसको, है ना, तो कहाँ महसूस हो गए सर, कहाँ महसूस हो बाबू, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा, एकदम सीधा बढ़ा दो, एकदम सीधा बढ़ा दो, सीधा बढ़ा दो, तो कहाँ महसूस हो रहा है, छोटे तिरछा हो रहा है, इस बार नीचे करो शैतान, ऐसे करवा दो, ठीक, अब इसको थोड़ा सा इसको ऐसे आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो,
तो यहाँ पे है, तो यहीं पे सेंटर ऑफ कर्व, यहाँ पे जा रहा है, यहीं पे सेंटर ऑफ कर्व है चमन, है ना, ठीक, एकदम सीधा। तो जैसी बाबू अगर ऐसे आ रहा, आपको रे ऑफ लाइट बाबू ऐसे अगर आ रहा, इस रास्ते से आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाकर मिलेगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी जाकर लगता मिलेगा तो इसी रास्ते से क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा, इसी रास्ते से क्या हो जाएगा, रिटर्न होगा, जिस रास्ते से आएगा। अरे मेरे शैतान, टॉर्च जैसे रखो, आपको रे ऑफ लाइट कहाँ से महसूस होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हुआ, ठीक, यहाँ पे रखो, तो ये क्या होगा, उसी रास्ते से क्या होगा, देख रहा है बाबू, उसी रास्ते से क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, उसी रास्ते से क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, ना रिटर्न हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो इसमें क्या हो गया बाबू, ये वाला क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे हो गया, इंसिडेंट रे भी यही हो जाएगा, है ना बाबू, और रिफ्लेक्टेड रे भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, इसी रास्ते से रिटर्न हो जाएगा, जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा, जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा, तो रिफ्लेक्टेड रे भी यही बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका ग्रीन कलर वाला रिफ्लेक्टेड रे होगा, उसी पे जाएगा, उसी पे जाएगा, है ना बाबू, उसी पे जाएगा, तो ये हो गया आपका ये हो गया रिफ्लेक्टेड। जब हम शेयर कर रहे हैं सर, तो हमें कलर पेन से करना है ये ड्रॉ। हाँ, कलर पर से करना अच्छा लगेगा, लिखियो। तो थर्ड नंबर रूल, ये कितना रूल नंबर होगा, थर्ड होगा, थर्ड होगा, कौन कलर से लिखो, ब्लू से लिखो, थर्ड लिखो, द इंसिडेंट रे बाबू, थर्ड नंबर बाबू, आप लोग को ऊपर जगह ऊपर लिखना बाबू, लेंस फॉर्मूला का पढ़ा। अरे शैतान, अभी लेंस, अभी मेरा खत्म होगा ना, उतर ना बाबू, लेंस फॉर्मूला टाइम, द इंसिडेंट रे बाबू, लेंस फॉर्मूला पढ़ना, तो स्कूल कै बजे जाता है सर? 7 बजे जाता हूँ, 1:30 बजे आता हूँ। जिसको लेंस फार्मूला पढ़ना रहेगा ना, तो सुबह 6 से 7 आ जाना, कुछ दिन के लिए पढ़ा देंगे, बोल देंगे आपको, याद दिला देंगे, द इंसिडेंट रे बाबू, बीच बाबू। मैं तो 7 बजे स्कूल जाता हूँ सर। हाँ तो 7 बजे आता, तो 7 बजे छोड़ देते हैं, द इंसिडेंट रे बाबू, बीच डायरेक्टर बाबू। सर तो तैयार होने में टाइम नहीं लगता है, 6 बजे उठता हूं, तैयार रहता हूं। तब आप भाई, आप बाबू भाईस की तरह कर रहे हैं, मेरे यहाँ बच्चे बाबू 4:30 बजे उठ के 5 से 6 क्लास करता है, और 6 बजे गिरते पड़ते जाता है, सुबह 5 बजे से क्लास चलता है, द इंसिडेंट रे बाबू, विच इज बाबू डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन बाबू, डायरेक्टेड बाबू, कुछ दिन 10 दिन कष्टे कर लेगा तो कहा डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन बाबू। नहीं सर, क्योंकि पिछले बार भी बैच में लाइट शुरू किए थे सर, लेकिन फिर पूरा नहीं हो पाया था। अरे बाबू, तो इसमें लेंस फॉर्मूला हम लोग कैसे पढ़ेंगे, छोटा छोटा बच्चा, लेंस फॉर्मूला के लिए दूसरे बच्चे में आपको बुला रहे हैं बाबू, पढ़ाएंगे तो इसे भाग जाएगा पूरा का पूरा, तो आपको दूसरे बच्चे में बुला, इंसिडेंट रे बाबू डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ बाबू, डायरेक्शन ऑफ द बाबू, डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसे भागेगा सर, समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर वो, सेंटर ऑफ कर्वेचर बाबू, आफ्टर बाबू रिफ्लेक्शन, पढ़ाएंगे, ऐसा थोड़ी कि नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा सा बड़ा हो जाओ, थोड़ा सा मैच्योर हो जाओ तब पढ़ाएंगे, रिफ्लेक्शन बाबू, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन बाबू, रिट्रेस, रिट्रेसेस बाबू सेम पाथ, सेम पाथ, उसी पाथ को क्या करेगा, रिट्रेस करेगा। एक रूल और बाबू, एक रूल, अभी 7 मिनट बच रहा है, फोर नंबर रूल, अगले लिख रहा है, लिखिए लो, लिखिए लो, लिख रहा है, अगले लिखिए लो, लिखिए लो। सर वर्चुअल गोला बनाना जरूरी है सर? नहीं, वर्चुअल गोला बनाना जरूरी नहीं बाबू, द इंसिडेंट रे बाबू, आपको तो हम ये दिखाए बाबू कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, कन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, गोला इधर बन रहा है, जिधर गोला बनेगा उसी साइड में होगा, द इंसिडेंट रे बाबू स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग बाबू, हेलो, हाँ सर, हाँ सर, जय माता दी सर, हाँ सर बोलिए सर, बोलिए सर, पहचान रहे सर, कल ना उसका हाफ ईयरली स्टार्ट है, तो कल वाला आज वाली क्लास को अटेंड नहीं कर पाएगी, कल 2 एग्जाम है एक्चुअली, नहीं तो मैं करवा देता, कल 2 एग्जाम बाबू का सर। अच्छा अच्छा अच्छा, एक एक दिन गैप करके है, तो जिस दिन उसका हार्ड होगा उसकी नहीं कर पाएगी, बाकी कब तक एग्जाम है सर, द इंसिडेंट रेस्ट 27 तक तो कंटिन्यूअस है कि गैप कर कैसा? गैप है उसमें, अब कल तो आज तो इसलिए नहीं कर रही कि कल 2 एग्जाम है उसका। अच्छा अच्छा अच्छा, तो
नहीं ना ठीक है सर। और बच्चे का प्रोग्रेस दिख रहा सर, इतने सारे क्वेश्चन करवा? प्रोग्रेस तो है ही, तभी तो कंटिन्यू रखा हूँ। हाँ सर, एकदम बेसिक से शुरू किया सर, उसके बाद मैंने बेसिक स्ट्रांग होगा तो फिर टेंशन नहीं होगा। हाँ सही बात है, बहुत सारे बच्चे का बेसिक ही नहीं रहता, इसीलिए देखते हैं कि रोते रहता है सब। कोई भी स्कूल में सर 50 स्टूडेंट रहता तो उसमें 5 ही ना पढ़ने वाला रहता, 55 तो ऐसे ही रहता है। ठीक है सर, क्लास चल रहा है सर, बाद में बात करते हैं। ठीक है सर। सर 45 ऐसी ना रहता है। हाँ बाबू, आप लोग के स्कूल में देखो ना शैतान, तो कितना मान लो 50 स्टूडेंट है तो 5 को मुश्किल से कुछ को टीचर पूछते होंगे तो जवाब देता होगा, बाकी बाबू 45 का लटका हुआ। स्कूल में या क्लास में? क्लास में, आपके क्लास में। ठीक है ना, द इंसिडेंट रेवा स्ट्राइकिंग एट पोल बाबू बाय सर्टेन एंगल। क्यों बाबू वो सब बाबू क्यों? बच्चे की गलती नहीं है बेचारा, बेसिक से मान लो किसी बच्चे का 7वां कमजोर रह गया बेसिक में। ठीक, कहा हुआ बाबू? सर हाँ सर, अगर हम अगर 6, 7, 5, 6, 7 छोड़ दिया वो क्लास और डायरेक्ट 8th में पढ़ने लगे तो हमारा बेसिक कमजोर होगा ना सर? हाँ बाबू, द इंसिडेंट बाबू स्ट्राइकिंग एट पोल बाबू बाय सर्टेन एंगल बाबू इज रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड थ्रू द सर। बुक वाला तो सर सोचता है कि सर की हाँ ये पढ़ा दिया होगा, लेकिन पढ़ाते नहीं है सर, वो सीधा एडवांस दे देते हैं। और रिफ्लेक्टेड थ्रू, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक है बाबू, डायग्राम बनाओ डायग्राम बनाओ डायग्राम बनाओ डायग्राम बनाओ। लाइनिंग आ रहा है, लाइनिंग आ रहा है सेताना, चलो उसको तो फ्रंट कैमरा करते हैं, बोलना चाहिए लोगों को। सारे पेरेंट्स बाबू, अब तो पेरेंट्स बाबू ऐसे कि बिना बात किए बहुत सारे पेरेंट्स को मन ही नहीं लगता, इतना इधर में देखो कितना फोन आता है, इसीलिए 2 मोबाइल लेना पड़ा हमको, नहीं तो रिसीव नहीं कर पाते थे। लिखे लिखे शैतान, दोनों में सेम नंबर है सर कि डिफरेंट नंबर? अरे एक ही नंबर है शैतान, नंबर क्या, एगो नंबर है बाबू जी, एगो से क्लास चलता है, क्लास करने के लिए नंबर की थोड़ी जरूरत है, क्लास के लिए नंबर की थोड़ी जरूरत है बाबू, क्लास के लिए नेट की जरूरत है। तो नेट बाबू वाईफाई है ना, वाईफाई ना, मोबाइल के डाटा से थोड़ी क्लास होता है। ठीक, समझाते समझाते लिखे 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 लिखे। जिस एंगल से आया उसी एंगल से गया, आई बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। लिखो समझाते, जल्दी लिखो जल्दी लिखो, ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया। इंसिडेंट मतलब आना, इंसिडेंट रे मतलब, इंसिडेंट रे मतलब आने वाला रे, रिफ्लेक्टेड रे मतलब जाने वाला रे, नानी घर जाने वाला रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। यस बाबू, कछुआ कहानी समझ में आ रहा है? कछुआ यस सर, कहानी समझ में आ रहा? भोली सर आ रहा है, और रिवाइज करती हूँ। आई कौन सा एंगल है, आई आई का नाम क्या बता दो तब जानेंगे बाबू आ रहा आपको समझ में, आई का नाम बता दो। हाँ पे लिखा हुआ है, अरे नाम 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 बता दो, 10 रुपया 10 रुपया अभी ट्रांसफर कर देंगे, बता दो कछुआ। एंगल ऑफ इंसिडेंट सर, ये इंसिडेंट रे, हम आई के नाम पूछ रहे हैं, आई के नाम पूछ रहे हैं, ये रे है, रे है, ये आई के नाम पूछ रहे हैं, ये एंगल एंगल सर, एंगल है एडजेसेंट एंगल। अरे आई फॉर कौन सा एंगल होता है मेरे लाल, 10 रुपया फ्री में लोगे, आई है बाबू लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई बाबू क्या बताया ना, दूर वाला रिवाइज किया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आई क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर मेरा क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सर, ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने लिखा था, इंसिडेंस रे एंगल ऑफ इंसिडेंस। हाँ मेरा तो वही ना पूछ रहे थे भोले, आप उसको पैसा नहीं देंगे सर, हम लोग ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं लिख सकते।
नहीं, वो ग्लांसिंग एंगल इसको नहीं कहते सर, ग्लांसिंग एंगल इसको नहीं कहेंगे, वो बाबू सरफेस के बीच में बनेगा जिसको कहेंगे सुर में सुर। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो सर, टाइम हो गया, एक मिनट बाकी है। हाँ देखो देखो शैतान, जल्दी इसको लिखो। अरे अभी क्या कर बाबू, रिया फ्लाइट को देखो, टॉर्च लो बाबू शैतान, डिफरेंट डिफरेंट जगह से बाबू, डिफरेंट डिफरेंट जगह से बाबू रिया फ्लाइट इंसिडेंट करवाओ, कभी पैरेलल, कभी ऐसे, कभी से सेंटर से कर्वेचर से पास होता हुआ, कभी बाबू ऐसे इंसिडेंट कराओ कि पोल से पास हो जा, कभी रिया फ्लाइट को ऐसे इंसिडेंट कराओ कि पोल से पास हो जा, पोल से। तो देखो पोल से जब पास होगा, पोल से पास होगा तो जितना एंगल से आएगा उतना ही एंगल से क्या होगा आपको चला जाएगा, जितना एंगल से आएगा उतना ही एंगल से क्या होगा चला जाएगा, उतना ही एंगल से क्या होगा चला जाएगा, चला जाएगा। ये एंगल हमेशा क्या होगा बराबर होगा, ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा क्या होगा बराबर होगा, बराबर होगा। तो यही दोनों चार गो रूल था, यही क्या था, चार इक्वल लेंथ का होगा, लेंथ एंगल इक्वल होता है, लेंथ इक्वल नहीं होता, लेंथ इक्वल नहीं होता, एंगल इक्वल होता है, एंगल एंगल मान लो 30 डिग्री तो भी 30 डिग्री, 50 डिग्री तो भी 50 डिग्री। भाई क्या हो रहा है, क्वेश्चन भी होता है, क्या होता क्वेश्चन भी है इसमें, क्वेश्चन बाबू क्वेश्चन इसमें नहीं, इसका हम यूज करेंगे अगला क्लास में, इससे इमेज बनाएंगे, सारा रट के नहीं बाबू, पढ़ के आना, ये ध्यान करके आना। आपको बोलेंगे रे बाबू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है तो कैसे पास करेगा, रे फोकस के जा रहा है तो कैसे पास करेगा, पोल पे आ रहा है तो कैसे पास करेगा, इंसिडेंट रे दिया रहेगा, रिफ्लेक्टेड रे आपको ड्रा करना रहेगा, रिफ्लेक्टेड रे ड्रा करना रहेगा, ठीक है ना। अगला क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कल साइड में लिखे एंगल ऑफ, आइए भी लिखे, ये भी लिखे, आइए भी लिखे, बोले ये भी लिखे, चलो ठीक है, बाय बाय बाबू, बाय सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट बाबू, बाय बाय बाबू, वेरी वेरी गुड इवनिंग सर।